आज हम दिखाएंगे आपको कस्टमाइज वॉलेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए आपको वॉलेट, उसके बाद एक स्ट्रिप चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा। दूसरा लगेगा आपका ये आपका रिपीट, दो तरीके का रिपीट लगेगा, छोटा बड़ा। चार्म्स लगेगा, जैसा आप चार्म्स यूज़ कर सकते चाहते हैं वैसे ही चार्म्स लगेगा। उसके बाद लगेगा आपका डाइस, ये आपका पंच के लिए पंच का डाइस। एक सिलिकॉन बोर्ड है, सिलिकॉन बोर्ड लगेगा। ये आपका लगेगा सीजर। एक बॉन्ड लगेगा टेस्टिंग के लिए, और लगेगा ये डाइस, नाम पंचिंग के लिए लगेगा डाइस, और एक हथौड़ी। ये आपको चाहिए कस्टमाइज वॉलेट बनाने के लिए। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे कस्टमाइज करना है। पहले लेदर स्ट्रिप को लेना है, फिर सीजर से आप थोड़ा इसको राउंड काट लेंगे। इसमें हम नाम लिखेंगे पहले। ये होल होने का बाद पीछे का साइड से रिपीट का पीछे वाला पोर्शन अंदर से लुकाना है। तो अंदर से निकला हुआ इधर देखिए। फिर आपको एडिसिव लेके जो स्ट्रिप आप बनाए नाम का उस पर थोड़ा एडिसिव लगा दीजिए। एडिसिव लगा के थोड़ा सा सूखने दीजिए इसको, यहाँ रिपीट में आपको लगाना है। रिपीट में लगने के बाद रिपीट को ऊपर वाला हिस्सा इस पर लगा देना है। फिर अंदर में कोई भी एक टू मेटल कुछ शीट दे दीजिए, ये हम लोग स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। करने का बाद रिपीट का एक पोर्शन लेके थोड़ा सा ठोक दीजिए। दूसरे साइड भी ऐसे ही ठोकना है आपको। इसके बाद आपको चार्म लगाना है। चार्म का भी ऐसे आपका माप लेके कहाँ बैठाना है देख के, देखने का बाद 2 पॉइंट आपको कर लेना है। सेम प्रोसेस में आपका पीछे से चार्म का जो रिपीट है
रिपीट पीछे से लगा के सामने चार्म लगाने का बाद दोनों तरफ रिपीट ठोक देना है।